एमी ऑर्गेनिक्स, पहले तो डिस्क्लोजर है कि पोर्टफोलियो के अंदर में हम स्पेशलिटी केमिकल की जो कंपनीज ओन करते हैं उसमें से एक कंपनी एमी ऑर्गेनिक्स है। काफी समय समय काफी पसंद आ रही है ये कंपनी। इसका भाव अभी कुछ 1350 चल रहा है और 1358 रुपए चल रहा है। और यहाँ पर पे अगर से आप एक चार्ट देखें तो करीब 3 साल के बाद एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे आया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो स्टॉक के अंदर में 1270 के जोन में बना हुआ है। 1270 का ही एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट मान के मैं समझता हूँ ये स्टॉक 1600 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी तक जाता हुआ नजर आएगा। अब अनिल जी, जहां तक फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो 83% बिजनेस है वो फार्मा वर्टिकल से आता है, कि जहां पर इंटरमीडिएट्स कंपनी का के अंदर में काम कर रही है। और यहाँ पर पे जो मार्जिन करीब करीब 23% की एबिटा मार्जिन ये कंपनी बनाती है। इसके साथ ही साथ इन्होंने अभी एक न्यू सेगमेंट में एंट्री लिया है, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो यूज होता है सेल्स बनाने के लिए एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में। और ये बहुत बड़ी एक ऑप्शनैलिटी कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए खोल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि एक कंपनी होती है जहां पर पे आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है जो कि फार्मा की तरफ से आएगी, पर जहां पर पे बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से पी में एक जबरदस्त एक्सपांशन आएगा, वो सेगमेंट है मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में एमी ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया री रेटिंग इस स्टॉक में देखने को मिली। साथ ही साथ इन्होंने पिछले कुछ समय पहले एक कंपनी खरीदी, बाबा फाइन केमिकल्स, जिसके अंदर में इन्होंने करीब 55% का स्टेक खरीदा। और इसको बाय करते ही ये कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर में फोरे हो चुकी है, क्योंकि ये कंपनी बनाती है कस्टम स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूसेज होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और इस सेमीकंडक्टर फोरे की वजह से हमें लगता है एक बहुत ही बढ़िया री रेटिंग आपको एमी ऑर्गेनिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। हमारा मानना है कि कंपनी का जो एबिट्टा है वो करीब करीब 29 से 30% कैगर बेसिस पे आने वाले 2 साल बढ़ेगा, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट पीई की री रेटिंग और ईपीएस की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। तो स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, इन सभी का एक बहुत ही अच्छा प्रॉक्सी प्ले मेरे हिसाब से एमए ऑर्गेनिक्स। और करेंट लेवल पर एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ हुआ है तो काफी इंटरेस्टिंग इन लेवल्स पे नजर आता है।